हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिड बेंचर्स क्लासेस। यस्टरडे हमने ज्योमेट्री का जो ट्रिग्नोमेट्री लेसन है प्रूव दैट क्वेश्चन में फिफ्थ क्वेश्चन तक किया था, तो विल स्टार्ट अवर सिक्स क्वेश्चन इज ऑफ वेस्टिंग टाइम। तो क्या दिया है, वन अपॉन सेक टीटा माइनस टैन टीटा इज इक्वल टू सेक टीटा प्लस टैन टीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वन अपॉन सेक टीटा माइनस टैन टीटा। तो आपको इसको क्या बनाना है, सेक टीटा प्लस टैन टीटा बनाना। तो क्या करेंगे, अब ये sec थीटा माइनस tan थीटा है, इसको कंपोनेंटो करेंगे, मतलब इसको जो ये माइनस है इसको प्लस करके ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर आप लोगों को। उसके बाद क्या होगा, 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो वही आता है, तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। और ये क्या हो जाएगा, ये कैसा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इसके जैसा है, तो ये हो जाएगा क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। दिस पार्ट इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, और जैसे कि हमने देखा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसको इक्वल है, किसको इक्वल है, 1 को इक्वल है ना। हाँ, कैसे इक्वल है बताती हूँ आपको, sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन ये 1 हो गया। क्यों हो गया, सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसको इक्वल है, sec स्क्वायर थीटा को। ठीक है, तो देयरफॉर हम 1 को वहीं रन देते, tan को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो 1 इक्वल क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आया समझ में। अब 1 से कुछ भी नंबर डिवाइड करो वही आता है, हाँ, इट इज़ इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, तो इट इज़ प्रूव्ड। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर क्या है, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा किसको इक्वल है, sec थीटा प्लस tan थीटा। दिस मच इज क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन में। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन रेस टू 4, सॉरी साइन है, हाँ साइन है, एक्चुअली बुक में सेक लिखा है, आपने साइन लिखना है, टीटा माइनस कॉस रेस टू 4 टीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर टीटा। हमें क्या प्रूव करना है, साइन रेस टू 4 टीटा माइनस कॉस रेस टू 4 टीटा किसको इक्वल है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन रेस टू 4 थीटा माइनस cos रेस टू 4 थीटा। अब इसको इंस्टेड ऑफ ये लिखना, हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। इस तरीके से लिखने से बाद क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, ये किसके जैसा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग ओपन करेंगे ये हो जाएगा, सो हम क्या थे, ये साइन स्क्वायर थीटा किसके जैसा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये कैसा लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो इसको ओपन करेंगे, इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना पार्ट क्लियर आप लोगों को। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसको इक्वल है, 1 को इक्वल है ना, सो इट इज इक्वल टू 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ आप रीजन लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसको इक्वल है, 1 को। दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल, नो कॉन्टेक्स्ट। सो 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही होगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस मच इज क्लियर। अब सो नाउ इंस्टेड ऑफ राइटिंग साइन स्क्वायर थीटा व्हाट वी विल राइट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्यों लिखा है ऐसे, जैसे कि आपको अभी आपने यहाँ डेफिनेशन देखा कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर है।
तो साइन स्क्वायर टीटा के बदले हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा। अब ये दोनों माइनस है और आगे कोई नंबर नहीं, दैट इज 1 और 1 है, तो दोनों माइनस है, हम इसको प्लस करेंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर टीटा, जो कि हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो दिस इज योर राइट हैंड साइड, तो वॉट वी हैव प्रूव, लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर साइन रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आया समझ में, एक बार वापस सुन लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या था हमारा, साइन रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा, इसको हमने स्प्लिट किया, मीन्स क्या किया, एक स्क्वायर अंदर रखा एक स्क्वायर बाहर रखा, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो आपको यही मिल जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब ये किसके जैसा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। ठीक है, तो जब आप इसको ओपन करोगे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हमने इसको ये ए है और इसको बी समझो, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज ए प्लस बी, एंड साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज ए माइनस बी। अब ये पता है कि किसको इक्वल है, 1 को इक्वल है, आपका आइडेंटिटी है, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 से आप जो भी मल्टीप्लाई करो आपको वही मिलेगा, फिर क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ इंस्टेड ऑफ राइटिंग साइन स्क्वायर थीटा हमने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्यों लिखा, देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसको इक्वल है, 1 को इक्वल है, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को आप वहाँ भेजो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इट विल बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने इंस्टेड ऑफ राइटिंग साइन को डेटा क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर डेटा। नौ ये दोनों सेम है, हम इसको प्लस कर सकते हैं, आगे कोई नंबर नहीं, दैट इज 1 है, तो माइनस साइन है, तो माइनस आप साइन डालोगे और इसको प्लस करोगे, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर डेटा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड था, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, अब चलते हैं 8 क्वेश्चन पर। सेक टैन टीटा प्लस टैन टीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन टीटा। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेक टीटा प्लस टैन टीटा, वी हैव टू मेक दिस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन टीटा। तो कैसे करेंगे, सेक टीटा किसको इक्वल है, 1 अपॉन कॉस थीटा को इक्वल है, इतना पता है, और टैन टीटा किसको इक्वल है, साइन टीटा अपॉन कॉस थीटा, यह आपको याद रहना चाहिए, फॉर्मूलाज ईजी है, पढ़ लो इसको। यहाँ रीजन में लिखोगे सेक टीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा, रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, रीज़न नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलने वाला आपको, सब आधे हो जाएंगे आपके मार्क्स। टैन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, दिस मच इज क्लियर। नाउ डिनोमिनेटर इज इक्वल, आप इसको प्लस कर सकते हो, हम इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब ये 1 प्लस साइन थीटा को हम क्या करेंगे, ये ऐसे ही रन देंगे, बट हम 1 माइनस साइन थीटा ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, हम डिविडेंडो करेंगे इधर। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया माइनस इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। दिस इज क्लियर, हमने क्या किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अब ये किसके जैसा हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कैसा हो गया, क्या तो ये 1 का क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, साइन टीटा इंटू साइन टीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टीटा हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर टीटा अपॉन, ये नीचे वाला एज इट इज आएगा, इसको कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसको इक्वल है, जैसे कि हमने देखा इट इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए क्या किया मैंने यहाँ, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसको इक्वल है, 1 को, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू, ये साइन वहाँ चला जाएगा, माइनस जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने इसके बदले क्या लिखा, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं चाहिए, तो आप ऐसा लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, नहीं तो अगर यहाँ भी आप लोग कन्फ्यूजन करोगे, 1 स्क्वायर तो नहीं, ये कैसे ले लिया आप लोगों ने। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया। अब यहाँ कॉस थीटा 1 है, यहाँ 2 है, तो ये कट हो जाएगा, सिर्फ आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर कॉस थीटा और नीचे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है,
ये हमारा प्रूव हो गया, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हाँ, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. एंड बाद में लिख ली क्वेश्चन, देयरफॉर सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा. वापस एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान दो. क्या क्वेश्चन था हमारा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा को हमें प्रूव करना है, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा. तो सेक थीटा क्या है, वन अपॉन कॉस थीटा है. टैन थीटा को हमने एक्सचेंज किया, वो हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि उनकी आइडेंटिटी है. डिनोमिनेटर इक्वल था, इसके लिए हमने प्लस कर लिया, ये क्या हो गया वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. बाद में हमने क्या किया, वन माइनस साइन थीटा को ऊपर और नीचे दो जगह मल्टीप्लाई किया, तो आपको क्या मिल गया, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के तरीके था. तो वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल गया, एंड कॉस थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा. इतना क्लियर? तो वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है. वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा. अब वन माइनस साइन स्क्वायर को हमने क्या बना दिया, कॉस स्क्वायर थीटा बना दिया. कैसे बनाया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसको इक्वल है, वन को इक्वल है. तो कॉस स्क्वायर थीटा किसको इक्वल हो जाएगा, ये साइन को हमने शिफ्ट किया तो माइनस हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा ऊपर का न्यूमरेटर था. तो कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा. तो यहाँ दो कॉस था, यहाँ वन कॉस था, आपने एक को कट कर दिया, आपके पास क्या बचा, कॉस थीटा अपन वन माइनस साइन थीटा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड था. तो ये समय से प्रूव हो गया. नाइन्थ क्वेश्चन, इफ टैन थीटा प्लस वन अपॉन टैन थीटा इज इक्वल टू टू, देन शो दैट टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू. ओके, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं करना, हमें बताना है कि अगर टैन थीटा प्लस वन अपॉन टैन थीटा इक्वल टू टू है, तो आपको क्या शो करना है कि टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टैन स्क्वायर थीटा भी इक्वल टू क्या होगा, टू होगा. तो क्या दिया है आपको, टैन थीटा प्लस वन अपॉन टैन थीटा इज इक्वल टू टू, दिस इज गिवन टू यू ऑल. ठीक है, अगर आप इसको स्क्वेयरिंग करेंगे, दोनों चीज़ को स्क्वेयरिंग करेंगे, लिखोगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा, टैन थीटा प्लस वन अपॉन टैन थीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू टू स्क्वायर. ठीक है, अब ये किसके 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 जैसा है, आपने अब पहले पढ़ा था ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इसके जैसा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. इसको आपको वैसे ही ओपन करना है, इट विल बिकम टैन स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू टैन थीटा इंटू वन अपॉन टैन थीटा प्लस वन अपॉन वन का स्क्वायर वन. ठीक है, मैं वो पहले कर लेती हूँ, बाद में नहीं करती हूँ. टैन थीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू फोर. अब इसको ओपन करेंगे, ये टैन कट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस टू प्लस वन अपॉन टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फोर. ठीक है, अब टू को अगर आप वहाँ ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टैन स्क्वायर थीटा इक्वल फोर माइनस टू. देयरफॉर टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टू. हमने प्रूव कर दिया, देखो क्या हुआ था, शो दैट टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टैन स्क्वायर थीटा किसको इक्वल है, टू को. तो हमें कैसे मिल गया यहाँ आंसर, टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टू. क्या किया हमने, वापस देख लीजिए. हाँ, व्हाट वाज योर क्वेश्चन, टैन थीटा प्लस वन अपॉन टैन थीटा इक्वल टू टू, ये आपको दिया था. हमने इसको स्क्वेयरिंग किया, तो स्क्वेयरिंग करने के बाद क्या मिला, टैन थीटा प्लस वन अपॉन टैन थीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू टू स्क्वायर. ठीक है, बाद में हम इसको कैसे ओपन किया, ए प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से, दैट इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो आप इसको ए समझो, इसको बी समझो, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, टैन स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू टैन थीटा इंटू वन अपॉन टैन थीटा प्लस वन अपॉन टैन थीटा स्क्वायर. अब आप उसको ओपन करोगे, ये मल्टीप्लाइड है, इसके लिए कट हो गया, टैन स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू वन इज टू प्लस वन का स्क्वायर वन होता है, टैन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर वो टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और टू का स्क्वायर हमें फोर मिल गया. ठीक है, अब टू यहाँ प्लस था, अगर हम उसको शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, तो फोर माइनस टू किया, दैट इज इक्वल टू टू, जो कि हमें प्रूव करना था. ओके, लास्ट में आपने आंसर लिख देना है, यही आंसर है, इसको बॉक्स कर देना. फाइन, नाउ टेंथ क्वेश्चन,
इसको ध्यान से दो, ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सम है ये। टैन टी ए प्लस वन अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर ए द होल स्क्वायर प्लस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए द होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, आपको प्रूफ इसको क्या बनाना है, साइन ए इंटू कॉस ए ये बनाना है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, टैन ए अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर ए द होल स्क्वायर प्लस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए द होल स्क्वायर। अब वन प्लस टैन स्क्वायर ए किसको इक्वल है, सेक को इक्वल है, एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर ए किसको इक्वल है, कॉसेक को इक्वल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टैन ए अपॉन सेक स्क्वायर ए द होल स्क्वायर प्लस कॉस ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए द होल स्क्वायर। यहाँ रीजन में लिख देना है आपको, सिंस सेक स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस टैन स्क्वायर ए एंड क्या है कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। इतना पार्ट क्लियर? ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, तो देयरफॉर टैन ए अपॉन सेक रेज टू फोर ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉसेक रेज टू फोर ए। इतना पार्ट क्लियर आप लोगों को? अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग अपॉन हम इसको साइड में लिखेंगे इस तरीके से, टैन ए डिवाइड बाय सेक रेज टू फोर ए। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर? प्लस कॉस, वेट हाँ सॉरी स्टूडेंट, दिस इज कॉट हाँ, सो कॉट कर दीजिए। तो कॉट ए डिवाइड बाय कॉसेक रेज टू फोर ए। अब इतना पार्ट क्लियर? अब टैन किसको इक्वल है, टैन टीटा किसको इक्वल है, साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा। हम टैन ए के बदले लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, और सेक टीटा किसको इक्वल है, वन अपॉन कॉस थीटा को, तो इसके बदले क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय वन अपॉन कॉस रेस टू फोर ए। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर? प्लस कॉट टीटा किसको इक्वल है, टैन अगर साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या होगा, कॉस अपॉन साइन, डिवाइड बाय कॉसेक किसको इक्वल है, वन अपॉन साइन ए। अगर आपने वो टेबल देखा हो जिसमें हमने रेशियो लिखा था, उसमें आपको क्लियरली बताया गया है। अब यहाँ आपने रीज़न लिखना है, जो भी चीज़ों को चेंज किया है, टैन ए यहाँ रीज़न में इक्वल साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, सेक ए, सेक ए इक्वल टू वन अपॉन कॉस ए, देन कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, एंड कॉसेक ए इक्वल टू वन अपॉन साइन ए। सो दिस वॉज योर रीजन। ठीक है, अब ये डिवीशन है, डिवीशन है तो क्या होता है बाद में, ये मल्टीप्लाई होता है, उसको रेसिप्रोकल करते सेकेंड नंबर को, ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस रेज टू फोर ए अपॉन वन। वन लिखा तो भी चलता है, नहीं लिखा तो भी चलता है। ठीक है, इसको ब्रैकेट डाल दीजिए आप लोग, बीच में प्लस साइन है, हाँ ये ऐसे ही आएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, यहाँ ये शिफ्ट हो जाएगा, ये फोर लिखना भूल गई हैं, इंटू साइन रेज टू फोर ए अपॉन वन। अब ये साइन ए इसमें से एक चला जाएगा तो क्या बचेगा, थ्री बचेगा, कॉस में से भी एक चला गया तो क्या क्या बचेगा, थ्री बचेगा, तो आपको क्या मिल गया। और वन से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, वन रखा है नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वन इट विल बिकम साइन ए इंटू कॉस रेज टू थ्री ए प्लस कॉस ए इंटू साइन रेज टू थ्री ए। दिस मच इज़ क्लियर? अब इसमें कॉमन क्या है, देखो एक साइन कॉमन है एंड एक कॉस कॉमन है, हम एक साइन और एक कॉस को बाहर ले लेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए इसको बाहर ले लिया। अब इसको बाहर ले लिया तो यहाँ आपको कॉस स्क्वायर ए मिल गया और यहाँ आपको साइन स्क्वायर ए मिल गया। इतना पार्ट क्लियर? अब कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए किसको इक्वल है, वन को इक्वल है ना, भले ये साइन स्क्वायर ए लिखो या कॉस स्क्वायर आगे पीछे लिखो, उसको किसको इक्वल होता है, वन को इक्वल होता है।
तो दैट इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए इंटू वन. यहाँ रीज़न क्या आएगा, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, इसके लिए वन आ गया. इतना पार्ट क्लियर आप लोगों को. अब वन से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है, दैट इज साइन ए इंटू कॉस ए, जो कि हमारा राइट हैंड साइड हमें क्या बता ये चाहिए, जो कि हमने प्रूव कर दिया है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. देयरफॉर टैन ए अपॉन वन प्लस, ये लिखना भूलना मत, तो मार्क्स मिलने वाले नहीं तुमको, प्लस कॉट ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए द होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए. सो दिस वॉज योर सम. अब जो 11th और 12th के सम्स है और कुछ वर्ड प्रॉब्लम सम्स है, उसके लिए मैं दूसरा वीडियोज़ बनाऊँगी. ओके, तो प्लीज़ स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय.